समझता हूँ। और अगर ऐसे रहा तो ये तो उनकी शुरुआत है, अभी पहला ही एक तरह से साल हुआ है। इसके बाद में अगर उसी में इतना धमाका गया है तो उसके बाद में आप बहुत अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। एंड बॉटम लाइन इज, अब मुझे मालूम पड़ा कि इनकी मम्मी के साथ में भी मैं बहुत पहले एक ही शो में साथ में रह चुका हूँ। सो और भी शुभकामनाएं एंड वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप करो बात, अच्छा मांगना चाहेंगे आपको पता है गिफ्ट मेरे लिए कि सोनू जी यहाँ आए हैं वो बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। मुझे नहीं पता मैम मैडम आई है कि नहीं, नहीं वो नहीं आ पाए। अच्छा, वो मेरे वेट कर रही हैं सर में। ओके, हम लोग कहीं जाने वाले थे इसलिए मैंने स्क्वीज किया बजाय। बट थैंक यू सो मच, इतना टाइट स्टूल में सर आप आए मेरे लिए एक्चुअली यही गिफ्ट है, क्योंकि सच में मुझे इंडस्ट्री में 1 से 2 साल हुआ। वैसे स्ट्रगल जो नाम लिया जाता है उसमें काफ़ी टाइम गुजरा है, लेकिन जितना आप लोग जानते हैं उसमें 1 से 2 साल हुआ है। और ऐसे समय में अगर मैंने सर पहली बार पार्टी किया है। अच्छा किया, तभी तो मैं हाँ और पहली बार मैं सर आए तो आई एम वेरी हैप्पी। आई वांटेड टू सपोर्ट यू बिकॉज़ आई नो आप की पहली बार पार्टी है एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अराउंड यू, इसलिए मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आई थिंक इंडस्ट्री में जैसे मुझे बहुत कम लोग ऐसा होता है कि लोग जानते हैं कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। सिंगर के का इतना ज़्यादा रूप चढ़ जाता है और वो भूल जाते हैं कि वो कंपोजर भी है। बट एज अ कंपोजर आई थिंक इस इंडस्ट्री में जो भी आएगा या जो भी है उसका ड्रीम होगा कि सोनू जी उनके लिए गा लें कभी एक गाना। और मैं वो मौका, वो चांस और वो गाना ढूंढ रहा हूँ कि मैं कभी भी सोनू जी को बुलाऊं और सोनू जी मेरे लिए कभी गाए। जरूर, आई होप सो। कौन सा ऐसा गाना था जिसका आई थिंक वो गाना आशिकी 2 का ही गाना था, वन आई डिड आशिकी 2 माई सॉन्ग बहुत सुन रहा है ना तो रू रहा हूँ मैं, वही एक गाना था जिसकी वजह से वो एक कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, तो शायद नहीं वही गाना था। हम चाहेंगे कि वो आप गुनगुना के जरूर। सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा ये साल बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे इस साल से। और आई थिंक ये जो होता है ना सफ़र, ये सीखना चाहिए। म्यूज़िक भी ऐसी चीज़ है कि कभी स्टॉप नहीं हो सकता, वो दर बदर सिखाता जाता है। तो मेरे लिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरा हर साल ऐसे काम करते करते गुजरे और मैं म्यूज़िक में ही रहूँ, काफ़ी काफ़ी मज़े से रहूँ, काफ़ी अच्छे से काम करूँ। एक सिंगर की लाइफ में जब कुछ एक प्रॉब्लम आती है, एक सिंगर की लाइफ में जब कुछ एक प्रॉब्लम आती है जो कि वो सिंगर हर किसी की जुबान में होता है, जब वो सिंगर की लाइफ में प्रॉब्लम आती है एज अ सिंगर कैसे हैंडल करते हैं उसे? यार वो सिंगर की बात नहीं, वो इंसान की बात है। आई थिंक ऐसा लगता है कि इंसान जो है ना एक ऐसी मिट्टी से बना हुआ है कि कैसी भी प्रॉब्लम आएगी वो खुद ही हैंडल कर लेगा, चाहे वो मेरे ऊपर है चाहे वो यहाँ जितने लोग हैं उनके ऊपर है, कि जब अकेले पे पड़ेगी तो आप हैंडल कर लोगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब सब गेट बंद हो जाते हैं तब भगवान एक गेट खोल के रखता है, और वो दिखने में लगता है, वो दिखने में लगता है बहुत छोटा गेट है, लेकिन जब आप उससे निकलो तो शायद वही बहुत बड़ा गेट होता है। आज
आज के समय मेरे पेरेंट्स ने मेरे मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे डैड, मेरी मॉम यहाँ पे थी, मेरे डैड कल ही आए, सरप्राइज दिया उन्होंने मुझे, और आज वो मेरे बर्थडे पे मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम कानपुर और मुझे कानपुर से दूर हुए 7 साल हो गए, मॉम डैड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर नहीं पाता था, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं मेरे साथ। और सच बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए हो, ये बहुत जेन्युइन आंसर है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। ये इनके विषय मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है के नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है के नहीं, मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है के नहीं, तू है के नहीं। पास कोई आवे दूर कोई जावे, होता है कि ये कोई समझावे, नींद उड़ जावे चैन छड़ जावे, शरी फकीरी जग लग जावे, मन कर बैठक गोरिया join with me on this song. Which song? Ata pata rehna kisi ka hame, yehi kahe ye pal zindagi ka hame, ata pata rehna kisi ka गुलाबी गुलाबी समारे सूर डुबा है यारो दो the cake, but before that I have a small request. In fact, I know everybody's there, we're going to cut the cake after 3 minutes. Okay, so very quickly, Vishal, are we ready? Okay, I think it's going to be... Okay, so we're all set to cut the cake right now. Can I please request everybody to join us? Guy who's going to be cutting the birthday cake, it's his birthday, huh? Okay, ready? King talent. 1, 2, 3. Ten pickers. Oh, Bobby. Shadi, where are you? Yeah. Okay, everybody. One. Okay, are you ready?
त्यौहार है और होली के दिन ही अंकित का बर्थडे है। मैं चाहती हूँ उनकी ज़िंदगी खूबसूरत रंगों की तरह महकती रहे और वो ऐसे ही खुश रहें। और 7-8 अवार्ड्स जीते उन्होंने इस साल और बहुत ही बेहतरीन साल रहा है अंकित के लिए। आई होप ही कीप्स शाइनिंग ब्राइट एंड ही कीप्स प्रोग्रेसिंग इन लाइफ। ही इज़ अ डियर फ्रेंड एंड आई होप ही कीप्स सिंगिंग ब्यूटिफुल ट्यून्स द वे इज़ बीन डूइंग इट सिंस आशिकी 2 एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स एंड नाउ अ डियर फ्रेंड इज़ वेल एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज करियर। मुझे अनप्लग बहुत पसंद है, तेरी गलियाँ मुझे गुनगुनाना नहीं आता। आई होप मुझे एक दिन गाना सिखा पाएँ और मैं गाना चाहती हूँ एंड आई होप आई एम एबल टू सिंग वन डे। मैं गा तो नहीं पाऊँगी लेकिन आई लव तेरी गलियाँ। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा होली खेलना पसंद नहीं करती हूँ बट आई माइट प्ले विद ऑर्गेनिक कलर्स एंड थोड़ा सा इको फ्रेंडली होली खेलेंगे with no water, nothing. Try to not waste water. I would just suggest to all the viewers. World Cup follow कर रहे हैं आप? जी नहीं, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास इस टाइम बैक टू बैक मेरी शूटिंग चल रही है और मैं बहुत ही बदनसीब इंसान हूँ कि मैं क्रिकेट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। वेल आई एम शूटिंग फॉर 5 फिल्म्स राइट नाउ एंड बैक टू बैक आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। वन ऑफ देम इज़ राम गोपाल वर्मा फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स एंड वन इज़ अ हॉरर फिल्म which is another one of my favorite films that I'm doing and with amazing music and one is a comedy film with Rishi Kapoor and Malayalam film is releasing now on 30th of April with Mohanlal. It's called Laila O Laila and I'm playing a very very important role in that and one song in one of the films. Thank you, Ganesh. Thank you so much. इसलिए इनको बुलाया है यहाँ पर क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ इनके लिए स्पेशल बर्थडे क्या है, गिफ्ट क्या है इनके लिए। इनके लिए मेरी हमेशा शुभकामनाएं है। तुम लोग सेटल हुए कि नहीं? हो गए ना? हाँ तो अब सवाल कर क्या है, केक लाया हूँ। अंकित को मैं क्या विश दूंगा, ये मेरा भाई है छोटा और मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ बिकॉज बहुत अच्छा कंपोज़र है और बहुत अच्छा गाता है और ऐसे यंग टैलेंट की हमें
हिंदुस्तान को ज़रूरत है. तो ही इज़ अ वेरी फाइन फाइन एंड आई वांट टू थैंक ऑल द पीपल दोज़ हैव सपोर्टेड हिम इन हिज अपकमिंग. एंड मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ है कि ये अभी 50 साल तक ऐसे ही बर्थडे बनाए इंशाल्लाह. देखिए ट्रेंड बदलने के लिए ही होता है और तो हमेशा सुरीले लोग आएंगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि सुरीले लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं. क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बेसुरों को भी पसंद किया जाता है. सो ये कुछ लोग हैं जो ये ही इज वन ऑफ माय फेवरेट. सो जो बहुत सुरीले बंदे हैं तो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि ये बहुत कामयाबी करें और ऐसे ही बहुत सारे गाने गाएं. और मैं बहुत जल्दी चाह रहा हूँ कि मैं मेरा एक गाना गाएं. ये बर्थडे गिफ्ट ये रहेगी. ये जरूरी है, ये जरूरी है. और मैं ये एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जैसा भी ट्रेंड चेंज हो, मेलेडी कभी नहीं जा सकती. पहले थी, आज भी है, आगे भी रहेगी. ये कैसी बात कर रहे हो? मतलब एक म्यूजिशियन से पूछ लो कि कोई एक गाना बता दो साजिद वाजिद का. मेरे हिसाब से सवाल गलत है. एक गाना बोलना बहुत गलत हो. इनका एल्बम अगर दीवाना से शुरू करें और अगर सुपरमैन तक आए तो बहुत सारे गाने निकलेंगे. आई एम सॉरी, मैं एक नहीं बोल सकता. आज अंकित के बारे में बात कर रहे हैं हम और मेरी बस यही शुभकामना है कि अल्लाह इसको इतनी तरक्की दे. और मुझे बड़ी खुशी होती है बिकॉज़ ये भाई बहन और माँ बाप से जुड़े हुए हैं. आज की तारीख में ये एक बहुत ही अच्छे इंसान की निशानी है. इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग एंड आई ऑलवेज ब्लेस हिम. गॉड ब्लेस हिम. हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मिट्टी से जुड़ा हुआ होता है और एक सीख के आदमी जब आता है और उसमें हर जॉनर की सिंगिंग करने की क्षमता है वो शायद इसीलिए बिकॉज उसका एक जो बेस है रूट्स जो है बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए उसके गाने हमेशा अलग होते हैं और वॉइस भगवान ने उसको अलग दी हुई है और कॉम्पोजिशन भी बहुत अच्छा करता है. तो ओरिजिनलिटी है मेन, तो इसलिए आई रियली ऑलवेज अप्रिशिएट. वॉइस रेंज के बारे में क्या कहेंगे? जो रेंज है उनका वो बहुत अच्छी है. वेरी गुड एंड लगता है रियाजी है. और क्योंकि हम लोग सब सीख के आए हुए हैं, हम लोग कंप्यूटर वाले, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा पसंद आते हैं जो सुर की समझ हो, रागों की समझ हो, एक प्रॉपर रियाज किया हो, आदमी की एक खनक होती है गले की, तो पूरी उसमें है सब. तो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, तो किस तरह गाने गाने का मौका देंगे आप? जैसे मेरा अभी कुछ जॉनर हैं, जॉनर जो क्लासिकल, जैसे मोरा पिया था या बावरी पिया की जो सोनू ने गाया था बाबुल का, वैसे क्लासिकल डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी गवाऊंगा मैं. वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं? वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं? ओनली इंडिया जब खेलती तो ही फॉलो कर रहे हैं. और कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया जीतेगी फिर से वर्ल्ड कप इस बार? लग तो रहे हैं पूरे. और क्यों नहीं जीतेगी, जरूर जीतेगी. What do you have to say about Ankit? Ankit as a center. Yeah, Ankita, what do you have to say for Ankit? Birthday unka ye. बिल्कुल. मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ. तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माय शूट क्विकली बिकॉज आई हैव टू कम एंड विश हिम. और ये बर्थडे बहुत खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है. और जब वो अवार्ड जीत रहे थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सबसे ज़्यादा हूटिंग कर रही थी वहाँ पे. एंड बिकॉज यू नो
अंकित एंड मे लाइक यू नो वी हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशन जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच एंड एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन है एक दूसरे के काम के लिए तो मुझे बहुत ही खुशी है कि उनको फिल्मफेयर अवार्ड मिला. What kind of USP is voice have got? क्या USP उनकी voice की जो इतना I think it's a very distinctive voice. जब अंकित तिवारी गाते हैं तो आपको पता है कि अंकित तिवारी का गाना है. Like you will not think twice कि ये singer कौन है, इसका नाम क्या है. You know it's अंकित तिवारी. And जो मुझे उनकी आवाज़ में सबसे खास बात लगती है, जो difference मुझे लगता है, कि जब वो romantic गाना गाते हैं ना, तो feel होता है कि वो romance है. एक-एक word में romance होता है. The way he sings, वो एक सिर्फ गाने की तरह नहीं गाते हैं. वो लगता है कि वो रोमांस कर रहे हैं. एंड उनका गाना जो भी हाल ही में है रॉय का बूंद बूंद वो मैं काफ़ी रिपीट पे आजकल सुन रही हूँ. एंड आई थिंक आई एम कम्प्लीटली ग्लूड टू हिज म्यूजिक. बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि सॉरी मुझे मेरा गला ख़राब है. मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको अगर आप देखें तो बीच में रोमांटिक फिल्म्स का और रोमांटिक म्यूजिक का दौर कहीं फेड अवे हो रहा था क्योंकि यश जी थे जब तक तो कहते थे कि उन्हीं से हमारा जो रोमांस है वो कायम है. बट आई थिंक विद अंकित एटलीस्ट इन म्यूज़िक उन्होंने वो रोमांटिक सॉन्ग्स का दौर वो वापस ले आए हैं. एंड आप देखिए तो रोमांटिक नंबर्स आजकल हर रेडियो स्टेशन पे टॉप चार्ट्स पे हैं. एंड सो ही सर्टेनली ब्रॉट इन अ रोमांटिक रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री. I was just shooting for a campaign and as you know that you know jab tak release nahi ho jata hum log baat nahi kar pate hain but I was just shooting for a campaign a brand that I'm endorsing. Besides that are you working in any projects as a television or film? जैसे सब जानते हैं कि भूषण कुमार ने मुझे 3 फिल्म्स के लिए साइन किया हुआ है भूषण कुमार जी ने. मगर अभी तक उन्होंने जो भी स्क्रिप्ट्स मुझे बाउंस ऑफ की हैं आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद इट. एंड आई मीन आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट गुड स्क्रिप्ट्स बट समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर माई सेल्फ आई डोंट सी माई सेल्फ इन दैट. तो जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो वो और मैं आई एम श्योर इट्स गोना गो ऑन. या थैंक यू. सर नीचे कर लेता हूँ पैर ऊपर कर लेता हूँ और वहीं से शोर मचाने लगता हूँ अंकित अंकित अंकित. एक्चुअली अंकित बहुत ही तेज लड़का है. उसने अपना बर्थडे चुना है होली से पहले ही और धतूरा पहले से ही चढ़ चुका है तो ये शायद इस वजह से ही चुना है उसने ताकि ज़्यादातर लोग पहले से ही सुरूर में आएंगे और खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि होली के दिन और होली की शुरुआत हो गई है और खुशियाँ मन ही रही हैं. सो ऐसे में इसका बर्थडे है ये भी एक और खुशी ऐड कर रहा है जिंदगी में. चले इस साल उनको बहुत सारे अवार्ड मिले तो क्या हाँ और खुशी की बात उनका बर्थडे. हाँ बहुत खुशी की बात है और इसी तरह से बस वो कामयाब रहें हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं उनको. थैंक यू वेरी मच. आप क्या लेकर आए उनके लिए? हम दुआएं लेकर आए हैं क्योंकि दुआओं से बढ़ के इस दुनिया में कुछ और होता नहीं है. बाकी सारी चीजें सड़ जाएंगी, फूल सड़ जाएंगे, गिफ्ट सड़ जाएंगे, लेकिन दुआएं कभी सड़ती नहीं. बाकी जो चीजें हैं उनमें फफूंदियां लग जाएंगी, दीमक लग जाएंगी, लेकिन दुआओं में ओए होए 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 बने रहो. लास्ट तिवारी के आने से जो गाने में ट्रेंड था वो बहुत बदलाव आया? नहीं ऐसा मत करिए, बदलाव नहीं लेकिन खुशियां बढ़ी हैं और टैलेंटेड लोग जब तरक्की करते हैं तो एक अच्छी बात होती है. बदलाव तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कि बहुत बदलाव आ गया क्योंकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है ही. वो तो प्रतिपल आपको बदलती हुई जिंदगी देखनी ही है. फरवरी में कभी बारिश हुई थी क्या? तो बस
तो इसका मतलब ये बारिश आते ही तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया धरती पर। तो धरती पर बदलाव लाना ये नेचर का काम है और टैलेंटेड लोगों का काम है, बस उस बदलाव में खुश रहें और अपना काम ऑनेस्टी से करें। लास्ट क्वेश्चन अंकित तिवारी के लिए, आपका हर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अंकित तिवारी के लिए कोई एक गाना तो बनता है आज के लिए। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। थैंक यू। आपके लिए किस तरह दुआ, क्या दुआ लेकर आए? मैं यही दुआ लेकर आया हूँ कि वो संगीतकार है तो वो अपने संगीत में उसका जहन खुदा खोले और वो संगीत में नए नए जो जज्बातों को छुए और जैसे उसका जो भी अब तक काम हुआ है बहुत अच्छा रहा है जी। जो भी काम संगीत अब तक अंकित ने किया बहुत खूबसूरत रहा है और उसका उसकी जो संगीत की उसके जो हद है वो बढ़े और अपने म्यूजिक को वो थामे रहे, यही मेरी दुआ है। लेकिन ये इस साल बहुत सारे हमको अवार्ड मिले हैं अवार्ड फंक्शन में, तो क्या इस साल जो बर्थडे मना रहे हैं क्या काफी खुशी का दिन है उनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि बर्थडे खुशी का दिन होता है, अवार्ड मिले ना मिले, बहुत इस साल भी ठीक है लेकिन जिंदगी अवार्ड से बड़ी है ना। तो आशिकी 2 के दौरान मैंने और अंकित ने बहुत अवार्ड साथ में लिए तो ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर बहुत कुछ है और ख़ास तौर से खुशियाँ, खुशी को अवार्ड में क्या तुलना ना, पर अच्छी बात है, मतलब एक पॉजिटिव बात है। फिर से पूछेंगे हमें मुझे ऐसा लगता है कि हर एक संगीतकार अगर वो दिल से काम करता है, सच्चाई से काम करता है तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेकर आता है और अंकित के संगीत में मुझे अंकित का म्यूजिक पसंद है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ बदलाव उसके संगीत ने लाया है।